दशहरे का नाम सुनते ही हर किसी के मन में रावण के पुतले को साड़न दी तस्वीर सामने आ जाए। बुराई के प्रतीक के तौर पर रावण के पुतलिया साड़िया जाता है, भावें यह लोगों को कितना भी चंगा लगे, पर इसके खिलाफ हुण एक रावण भगत अदालत में चला गया है। इंदौर में एक अजिहा रावण भगत है जो रावण के पुतले साड़न के सख्त खिलाफ है। इंदौर के रावण भगत महेश गौहर ने अदालत में पटीशन दायर की है, जिस विच उसने रावण के पुतले साड़न उत्ते रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट में विगत दो वर्ष पूर्व से ही हमारे हाई कोर्ट के एडवोकेट हरीश शर्मा जी के माध्यम से यह एक बात प्रस्तुत किया गया था और सिविल सूट में वो दो वर्षों से विचाराधीन ही मामला था। आज 6/1 में आदरणीय सम्मानित सुमन जी जो यहाँ की मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष आज हम लोग पेश हुए और हमने अपने तर्क रखा कि रावण का दहन बंद किया जाना चाहिए, उससे प्रदूषण का वातावरण भी खराब होता है। साथ ही हमारे वकील साहब ने कहा कि हमारा जो है ये रावण के प्रति हमारी जो एक आस्था है, हमारी आस्था को भी ठेस पहुंचती है। ऐसे प्रकांड पंडित तो विद्वान रावण का जलाना कहां तक उचित है, उस पर आज मजिस्ट्रेट साहब ने ये कहा है मैडम ने कि निश्चित हम इस पर स्टे लेने के लिए हम विचार करके आपको बताएंगे। यह पूरा मामला ऐसा है कि हिंदुस्तान में एक परंपरा रही है वर्षों से कि रावण का पुतला बनाकर उसे दहन किया जाए दशहरे के दशमी के दिन, लेकिन क्यों दहन किया जाए इसके बारे में स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं। बस किसी ने कह दिया कि वो बुरा था, उसने कोई बुरा काम करा था इसलिए उसका पुतला हमेशा जलाएं, तो हम भी जलाते आ रहे हैं, पूरी जनता उसके पीछे चल रही है, भेड़ चाल, जलाओ पुतला जलाओ, क्यों जलाओ इसका कारण किसी को नहीं मालूम। वास्तव में रावण कोई पापी नहीं था, कोई अत्याचारी नहीं था, पंडित था, महाविद्वान था, प्रकांड ज्ञानी था, चारों वेदों का ज्ञाता था। ऐसे व्यक्ति का सम्मान करने के बजाय हम उसे अपमानित करें, गालियां दें, उसका पुतला जलाएं, ये तो गलत है, ये भारतीय संस्कृति की परंपरा भी नहीं। तो हमने इस परंपरा को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए एक याचिका, पहले तो हमने सरकार को नोटिस दिया था लेकिन सरकार ने इस पर अमल किया नहीं, फिर हमें याचिका कोर्ट में डालनी पड़ी। याचिका 3 साल से विचाराधीन है, जिसमें से 2 साल तो अभी कोरोना के निकल गए, सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब निकट भविष्य में 15 तारीख को फिर दशहरे की तैयारी हो रही है रावण को जलाने की। दस दिए कि 15 अक्तूबर दशहरा है, इसे दिन ही शाम को रावण के पुतले को साड़िया जाता है। हुण देखना यह होगा कि पटीशनकर्ता महेश गौहर की पटीशन तो बाद कोर्ट की फैसला सुनाती है। इंदौर तो सचिन की रिपोर्ट, जगबाणी टीवी। देश दुनिया की हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे यूट्यूब चैनल नू सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।